तिब्बत का पठार महान पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है जो इस पठार के और तारंग रोनी के बीच है। पूर्वोत्तर में चिलियन पर्वतमाला इसे गोबी रेगिस्तान से विभाजित करती है। पूर्व और दक्षिण पूर्व में खुले पठार की बजाय जंगलों से ढकी घाटियां हैं, जहां से एशिया की बहुत सी प्रमुख नदियां शुरू होती हैं, जैसे कि सालवीन नदी, मीकांग नदी और यांग्त्सी क्यांग। भारत की महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी भी दक्षिण तिब्बत से शुरू होती है। पश्चिम की ओर इस पठार और उत्तरी कश्मीर के बीच विशाल काराकोरम पर्वत आते हैं। ध्यान दीजिए कि भारत का लद्दाख क्षेत्र भी इसी पठार पर स्थित है, और जब कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है तो वास्तव में वह पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को पार करके तिब्बत के पठार पर पहुंच जाता है। उत्तर में तिब्बती पठार की सीमा पर अचानक ऊंचाई कम हो जाती है। इस कगार पर 150 किलोमीटर के फासले के भीतर ऊंचाई 5000 मीटर से 1500 मीटर गिर जाती है। पठार का वातावरण एक ऊंची और शुष्क स्टेपी का है, जिसमें बीच बीच में ऊंचे पहाड़ और खारे सरोवर हैं। यहाँ वर्षा कम बरसती है और हर साल 100 से 300 मिलीमीटर तक जमा हुआ ज्यादातर पानी ओलों के रूप में गिरता है। पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में घास के मैदान है, जहाँ मवेशी पालन से खानाबदोश लोग जीवन बसर करते हैं। बहुत से क्षेत्रों में इतनी सर्दी होती है कि जमीन हमेशा के लिए सख्ती से जमी होती है। पठार के पश्चिमोत्तरी भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चांदतंग इलाका है, जो भारत के दक्षिण पूर्वी लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ सर्दियों में तापमान घटाव 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इन भयंकर परिस्थितियों की वजह से यहाँ बहुत कम आबादी है। अंटार्कटिका और उत्तरी ग्रीनलैंड के सदैव बर्फग्रस्त क्षेत्रों के बाद चांदतंग दुनिया का तीसरा सबसे कम घनी आबादी वाला इलाका है। तिब्बत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों ने कभी पेड़ ही